नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सीवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पाली के कॉलरी स्टेडियम में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा किया गया और प्रदेश के सीएम कमलनाथ के उद्बोधन का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से आदिवासी विद्यालय के छात्रों द्वारा आदिवासी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई, जिसकी जमकर तारीफ की गई। गौरतलब है कि उक्त कार्यक्रम में क्षेत्रीय बीजेपी की विधायक मीना सिंह शामिल नहीं हुई। वहीं बांधवगढ़ के बीजेपी विधायक शिवनारायण सिंह कार्यक्रम के आरंभ होते ही उठकर चले गए, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त रही। एक आदिवासी विकास खंड में, जो कि मध्य प्रदेश में 89 आदिवासी विकास खंड है, सब जगह ये आदिवासी विकास जो दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाए। और इसके अलावा ऐसे जिले जहां पे आदिवासी विकास खंड नहीं है, या जहां माडा पॉकेट हैं, या क्लस्टर्स हैं, या मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। हमारा चूँकि आदिवासी विकास खंड पाली है, इसलिए जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है पाली में आयोजित किया गया। इसके अलावा मेरे निर्देश थे, आज कल से ही मैंने निर्देश दिए हुए हैं कि अपने जितने भी ट्राइबल हॉस्टल आश्रम हैं, 68 हैं, हर जगह खेलकूद, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ में स्पेशल मील और उनके पेरेंट्स को बुला के उनका सम्मान करना। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी, दीपू की रिपोर्ट।